आज हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा। पीएम मोदी ने 30 मई 2019 को अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी। उनके दूसरे दौर के कामकाज की सेंचुरी के मौके पर हम अपने खास मेहमानों से ये चर्चा करके जानेंगे और समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन में सरकार ने जो काम किए उनसे हमारी आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, ये बदलाव कैसे हैं। साथ ही जानेंगे 100 दिन के पार सरकार के सामने अब क्या क्या चुनौतियां हैं और उनसे मोदी कैसे निपटेंगे, क्योंकि उनकी 100 दिन की पारी तो बड़ी तेज तर्रार और नॉट आउट नजर आती है। मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे को पीएम मोदी और उनकी सरकार ने पहले 100 दिन में कई मुद्दों पर बहुत हद तक सटीक साबित किया है। खुद पीएम मोदी का दावा है कि उन्होंने कई चुनौतियों को पार किया है। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किन किन चुनौतियों के हवाले से ये बात कह रहे हैं। देश और समाज के सामने सबसे पहली चुनौती थी मुस्लिम महिलाओं के हक में ट्रिपल तलाक की जरूरत, जिसे मोदी सरकार की पहली सरकार में कानूनी जामा पहनाया जाना था, लेकिन मुमकिन हो ना सका, लिहाजा दूसरी पारी में सबसे पहले मोदी ने इसी काम को अंजाम दिया और 3 तलाक पर एक सख्त कानून बनाया। भाजपा सरकारों का सबसे बड़ा वादा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर भी रहा, जिसे ना वाजपेयी और ना ही कोई सरकार पूरा कर पाई, ना ही पीएम मोदी अपनी पहली पारी में कदम उठा पाए। लेकिन दूसरे दौर में अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी ने कश्मीर को 370 के बंधन से मुक्त कर न केवल इतिहास रचा बल्कि जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया की सियासत का अंदाज भी बदल दिया। इसके अलावा मोदी सरकार के जिस फैसले ने इतिहास रचा वो छोटे कारोबारियों और किसान को पेंशन देने का ऐलान है। मामूली खर्च पर भविष्य को सुरक्षित करने वाले इस फैसले से करोड़ों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कुछ इसी तरह दुनिया में भारत की साख बढ़ाने वाली मोदी सरकार और इसरो की कामयाबी चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण है। वहीं भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौत को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है, जिसने सड़क पर मगरूर लोगों को भी रेंगने पर मजबूर कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक के लिए भी बड़ा सरप्राइज था कि एक डेवलपिंग कंट्री और वो भी इतना बड़ा देश 60-65 रैंक एकदम से जंप लगा ले, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक अजूबा था। और हमारी कोशिश है कि फर्स्ट 50 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में हम कैसे आए, और मुझे विश्वास है कि हम लोग उस लक्ष्य को भी पार कर लेंगे। अब हम आपको पीएम मोदी की कामयाबी के इन मुद्दों के उस पहलू को भी समझाते हैं जो हमारे आपके जीवन पर सीधा असर डालते हैं। सरकार के कायदे कानून से ही समझा जा सकता है कि इन नियम कायदों से हमारी आपकी जिंदगी पहले से बेहतर होने की उम्मीद पड़ी है। 3 तलाक का दंश भारतीय मुस्लिम महिलाएं बरसों से झेल रही थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी हर पल एक अंदेशे में रहती थी कि न जाने कब उनका शौहर एक सांस में महज 3 लफ्ज तलाक 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 बोलकर उन्हें मझधार में अकेला छोड़ दिया। अब 3 तलाक कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में बड़े सुधार की आस जगी है। कानून में सजा का प्रावधान होने से अब ऐसे 3 तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद भी है। तो गुजारा भत्ता का प्रावधान होने से ऐसी सूरत में महिला को कम से कम जीवन यापन के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद मिल सकेगी जो अभी तक नहीं मिलती थी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों ने पिछले 70 साल से कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक अनदेखी सी दीवार खड़ा कर रखी थी। उन्हीं प्रावधानों की आड़ लेकर अलगाववादियों और पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को समर्थन देने वालों की एक बड़ी फौज वहां खड़ी होती जा रही थी। लेकिन 370 के ऐसे प्रावधानों को खत्म कर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया ताकि लद्दाख का वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक अलग विकास हो सके और जम्मू कश्मीर का विकास भी देश के दूसरे राज्यों की तरह बेरोक टोक किया जा सके। विशेषाधिकार खत्म होने से बाहर के लोग भी कश्मीर में निवेश कर सकेंगे, इससे वहाँ विकास को नई ऊंचाई मिलेगी, कश्मीरी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि एक देश में 2 निशान यानी जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग नागरिकता खत्म हो गई। ये वो काम है अब हर कश्मीरी को अब सीधे भारतीय पहचान देती है। राजनीतिक और सामरिक नजरिए से अहम फैसलों के साथ ही
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे निचले और असंगठित तबके के लिए भी सुरक्षित भविष्य का इंतजाम किया। किसान और कारोबारियों को पेंशन योजना से जोड़कर पीएम मोदी ने इन करोड़ों परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने लघु यानी छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें पेंशन लाभ देने का फैसला अपने दूसरी सरकार में किया है, जिसके तहत महज 100 रुपये महीने के खर्च पर उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये बतौर पेंशन मिलेगी। इसी तरह छोटे कारोबारियों को भी उनके असुरक्षित भविष्य के मद्देनजर पेंशन स्कीम से जोड़ा गया। मोदी सरकार ने देश की ताकत जमीन से आसमान तक और आसमान से अंतरिक्ष तक बढ़ाई है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का परचम लहरा रहा है। ये कामयाबी है मिशन चंद्रयान 2। भारत की छवि के लिए एक लंबी छलांग है, क्योंकि अभी तक दुनिया के 5 देश ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन और जापान के बाद भारत ऐसा करने वाला 6ठा देश होगा। हालांकि रोवर उतारने के मामले में 4था देश है। 22 जुलाई को चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया और अब से चंद घंटे बाद ही भारत पहली बार में ही स्वदेशी लैंडर को चांद की सतह पर उतारने वाला पहला देश भी बनने वाला है, क्योंकि 6 और 7 सितंबर की आधी रात करीब 1:30 बजे चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 भारतीय मून मिशन है, जो पूरी हिम्मत से चांद के उस क्षेत्र में उतरेगा जहाँ अभी तक कोई देश नहीं पहुँचा, यानी कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी और जीवन की संभावना भी तलाशेगा। तो एक ओर अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने वाला है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क पर सुरक्षा के लिए भी सख्त इंतजाम किए। सड़क हादसों में हर साल होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर फिक्रमंद सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत सड़क पर सख्ती के साथ नियमों का पालन किया जा रहा है। कड़े जुर्माने के प्रावधान ने लोगों को पहले से ज्यादा जागरूक कर दिया है। अब तक हुए चालान में जहां सरकार का खजाना भी भर रहा है, वहीं लोगों की जिंदगी भी ज्यादा महफूज हो रही है, क्योंकि अब लोग ज्यादा सावधानी और तैयारी के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं। नाबालिगों की ड्राइविंग पर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं और उनके माता पिता को भी जिम्मेदार बनाया गया है। तो ये तो वो बातें हैं जो मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में पूरी की और देश के साथ ही हमारी आपकी ज़िंदगी को भी पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने की राह रोशन की। लेकिन 100 दिन के पार अभी मोदी सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं अपार। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अभी सरकार को बहुत कुछ करना है, बहुत ध्यान देना है। कई अहम और कठोर फैसले लेने हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जाने भी जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था 2024-25 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौजूदा सुस्त अर्थव्यवस्था खेल बिगाड़ने पर आमादा है। GDP में 0.8% की गिरावट ने एक झटका दे दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरता उत्पादन, घटती मांग, बैंकों की खस्ता हालत, निजी क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी इस रास्ते का रोड़ा बनती दिख रही है। सरहद पार से आतंकवाद, देश के भीतर नक्सलवाद जैसी समस्याएं भी सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। और अपने आप में नए किस्म के संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग ने भी सरकार को सख्त फैसले की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़े कानून के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार को अभी कदम बढ़ाना है। इसके साथ ही एक देश एक कानून की दिशा में भी सरकार की राह कितनी आसान रहने वाली है, इस पर भी समूचे देश की निगाहें हैं। और मोदी सरकार की सबसे बड़ी चाहत वन नेशन वन इलेक्शन उन तमाम चुनौतियों से भी जूझ रहा है जिस पर सबकी एक राय बन सके। बहुत संभावनाएं हैं। अभी तक हम पूर्ण सामर्थ्य के साथ, अनेक विविधताओं के साथ जितना करना चाहिए उसमें हमारी गति भी कम है और हमारा व्याप भी कम है। मोदी सरकार की चुनौतियों में सबसे अहम और फौरन दूर की जाने वाली चुनौती है देश की अर्थव्यवस्था, जिसे लेकर विपक्ष कई दिनों से पीएम मोदी पर तगड़ा हमला कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि हर दिन मंदी की खबर और हर दिन भाजपा सरकार की इस पर खामोशी, दोनों बहुत खतरनाक हैं। इस सरकार के पास न हल है, न देशवासियों को भरोसा दिलाने का बल है। सिर्फ बहानेबाजी, बयानबाजी और अफवाहें फैलाने से काम नहीं चलेगा। जाहिर है मोदी सरकार के 100 दिन के बिग शॉट्स भी विपक्ष के निशाने पर हैं और भविष्य की चुनौतियों पर तो सबकी नजर है ही। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए,
फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।